देखे बच्चों, कक्षा 10 मैथ एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 16 इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं ये हम आपको करा चुके हैं और उसको सभी बच्चे लगाइए। जहाँ पे कोई समस्या हो ग्रुप पे बताओ। आपका 7A में जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ है वो हर क्वेश्चन जो है लगवा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा जो भी क्वेश्चन ना लगे। देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि सभी बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो है अपने बुक से पढ़ लेना। यहाँ पे हमने उसका फिगर बना दिया है, चित्र बना दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। यानी जो ये बच्चे बैठे हुए हैं वो इस स्थिति में बैठे हैं कि एक वर्ग बन रहा है, तो चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली ने कहा कि चंपा ने चमेली से कहा कि ये वर्ग बनना है, तो चमेली कह रही है कि पता नहीं, इसे सहमत नहीं है, उसको कंफर्म नहीं बताया। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। तो इसको दूरी का प्रयोग करके ये बताना है कि ये वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये चंपा और चमेली के बीच के जो कन्फ्यूजन है उसको साफ दीजिए आप लोग, भाई उनकी समस्या का भी समाधान निकालिए। देखिए अब वर्ग बन रहा है, उसमें कह रहा है वर्ग बन रहा है, तो वर्ग की कंडीशन क्या होती है, इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जब चारों हो जाए, क्या हो जाए, चारों हो जाए जो है बराबर हो और उनके विकर्ण भी बराबर हो तो हमारा वर्ग बनता है। क्या बनता है, वर्ग। तो ए बी सी डी ये बिंदु दिए हैं, तो ए बी को मिला लेंगे, बी और सी को मिला लेंगे, सी और डी को मिला लेंगे, डी और ए को मिला लेंगे, तो ये वर्ग बनेगा। तो ये वर्ग है कि नहीं है ये देखने के लिए हमको इनके बीच की दूरी निकालना है, इनके बीच की दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालोगे, उनके निर्देशांक पता हो, क्या पता होना चाहिए हमको, निर्देशांक। और सभी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इसमें निर्देशांक नहीं दिए हैं, इस निर्देशांक भी दिए हैं। देखिए ये तुम्हारा एक सच है जिसपे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है, ये भी ये एक सच है, ये तुम्हारा जो है वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु हो गया जहाँ पर दोनों प्रक्षेप प्रक्षेपित कर रही है, ठीक है। अरे इसको इधर बढ़ा लेंगे, इसको इधर बढ़ा लेंगे तो मूल बिंदु ही हो जाएगा, प्रक्षेपित करेंगी दोनों अक्ष। उसके बाद में देखिए ए, पहले ए बिंदु के निर्देशांक लिख लेंगे हम, ए बिंदु जो है हमारा कहां पर स्थित है। देखिए ए जो बिंदु, ये बिंदु है, देखिए सभी बच्चे एक्स अक्ष पर हम 3 खाना चले, यानी 3, और वाई अक्ष पर कितने खाना चलना पड़ेगा हमको, 1 2 3 4, यानी 3 गामा 4, यानी ए बिंदु के निर्देशांक निकल के आएंगे हमारे 3 गामा 4 निकल के आ जाएंगे। और 3 और 4, 3 गामा 4 क्यों लिखा गया है, ये सभी को पता है कि पहले एक्स अक्ष लिखा जाता है, यानी भुज लिखी जाती है, उसके बाद में कोण, यानी एक्स अक्ष, उसके बाद में वाई अक्ष। तो यहाँ पे ए के निर्देशांक लिख लेंगे हम, ए के निर्देशांक हुए हमारे 3 गामा 4, इतना हो गया। ऐसे बी के निर्देशांक निकाल लीजिए, बी के निर्देशांक निकालिए, बी देखो कहाँ पर स्थित है, एक्स अक्ष पर हम 6 तक चलेंगे, 6 खाना अगर चल रहे हैं ये देखिए, और वाई एक्स चल रहे हैं 7, तो ये देखो बी के निर्देशांक जो होंगे हमारे 6 गामा 7 हो जाएंगे, यानी बी के निर्देशांक जो हो जाएंगे 6 गामा 7 हो जाएंगे। इसके बाद में हम सी के निर्देशांक देखेंगे, तो सी के जो निर्देशांक है हमारे वो देखिए, एक्स अक्ष पर हम 9 खाना चलेंगे यहाँ तक आ गए, और वाई एक्स पर हम 4 चलेंगे, तो सी के निर्देशांक हो गए, पहले एक्स अक्ष लिखा जाएगा 9 गामा 4,
यानी सी के निर्देशांक हो गए हमारे 9,4। इसके बाद में डी के निर्देशांक लिखेंगे, डी कहाँ है, ये 6 है और 1 है, तो डी के निर्देशांक हो गए हमारे 6,1। अब एक ऐसे रफ बना लीजिए, चित्र ऐसे ही रफ बना लीजिए, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, यहीं पर देखो मैं बना दे रहा हूँ। ए बी सी और डी, ए के निर्देशांक हो गए हमारे 3,4, बी के निर्देशांक हो गए 6,7, सी के निर्देशांक हो गए 9,4 और डी के निर्देशांक हो गए हमारे 6,1। इतना हो गया। इसके बाद में देखिए, अब इन दो बिंदुओं के बीच की सभी की दूरी निकाल लेंगे। अगर दो बिंदु इन चारों भुजाओं के बीच की दूरी बराबर आ रही है तो ये हमारा वर्ग सिद्ध हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि ये वर्ग है। चलिए निकालिए, पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालो, यानी ए और बी के बीच की दूरी निकालिए रूट एक्स टू, ये x1 हो गया y1, x2 ये y2, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का स्क्वायर आ गया हमारा, तो निकल के आ गया हमारा 3 होगा, 3 6 से 3 जाएगा 3 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 प्लस 7 से भी 3 गया, कितना हो गया 7 से 4 माइनस करो कितना हो जाएगा 3 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 9 और 9 कितना हो गया हमारा 18। ठीक है, इतना आ गया समझ में। इसके बाद बी और सी के बीच की दूरी निकालिए, बी और सी के बीच की दूरी निकालिए x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 7 का स्क्वायर रूट बराबर लगा के रूट 9 से 6 गया 3 बजेगा, रूट उतना ही लगाया करो जहां तक संख्या हो। नौ से छः माइनस करेंगे 3 और 3 का वर्ग 9 प्लस, देखो यहाँ पे माइनस के 3 बचेंगे क्योंकि 7 जो है माइनस का है, संख्या ज़्यादा है उसकी माइनस के चिन्ह की, तो माइनस 3 जब बचेंगे तो माइनस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा प्लस 9, क्योंकि माइनस और माइनस की गुणा क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, तो ये हमारा आ गया रूट 18। समझ गए इतना। इसके बाद में सी और डी के बीच की दूरी निकालिए, सी और डी के बीच की दूरी निकालिए रूट x1 y1 x2 y2 तो x2 माइनस x1 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 से माइनस 4 और माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए 9 माइनस का है, माइनस करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 का वर्ग करो कितना बच जाएगा होगा हमारा 9 प्लस यहाँ पे माइनस 3 यहाँ पर भी बचेगा और माइनस 3 का वर्ग करो कितना होगा 9, ये हो गया हमारा रूट 18 है। इतना समझ में आ गया। उसी प्रकार से हम अब डी और ए के बीच की दूरी निकाल लेंगे, यहां पे निकालिए डी और ए के बीच की दूरी, डी ए रूट डी
एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो एक्स टू माइनस एक्स वन थ्री माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स वन वाई वन ये था, एक्स टू वाई टू ये था, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन फोर माइनस वन का होल स्क्वायर। देखिए कितना बचेगा, माइनस तीन बचेगा, माइनस तीन का वर्क करेंगे प्लस का कितना हो जाएगा नौ नाइन प्लस यहाँ पर देखो फोर से वन माइनस करेंगे थ्री बचेगा, थ्री का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा नाइन, कितना हो गया रूट अठारह। तो देखिए ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों भुजाओं के बीच की दूरी जो है वो सेम आ रही है, बराबर आ रही है। तो जब चारों भुजाएं बराबर हों तो कौन सा चतुर्भुज होता है, वर्ग। क्या होता है, वर्ग। तो ये जो चंपा थी, चंपा ने जो चमेली से कहा था कि ये वर्ग की स्थिति बनाए हुए बैठे हैं, तो ये वास्तव में उसने सही कहा था कि हाँ ये वर्ग ही बन रहा है। अब आगे और भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक और कंडीशन होती है ना कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी क्या होने चाहिए, बराबर। तो दोनों विकर्ण के भी बीच की दूरी निकाल लीजिए, ए सी और बी और डी इनके बीच की दूरी निकाल के देखिए, अगर ये भी दोनों बराबर हो तो और विकर्ण फॉर्म हो जाएगा। तो ए और सी के बीच की दूरी निकालिए, ए और सी के बीच की दूरी रूट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो एक्स टू माइनस एक्स वन नौ माइनस तीन का होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर यानी नौ एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, वाई टू माइनस वाई वन फोर माइनस फोर का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारा, रूट नौ से तीन माइनस करेंगे कितना बचेगा छः का स्क्वायर प्लस ये तो जीरो ही रहेगा तो यहाँ पर जीरो ही हो जाएगा, तो रूट क्या हो जाएगा छः का वर्ग कितना होता है छत्तीस, थर्टी सिक्स और छत्तीस का वर्गमूल कितना हो जाएगा छः, यानी ए और सी के बीच की दूरी कितनी आ गई छः आ गई। अब ऐसे बी और डी के बीच की दूरी निकाल के देखिए, बी और डी के बीच की दूरी बी डी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो एक्स वन हो गया वाई वन हो गया एक्स टू हो गया वाई टू हो गया, तो एक्स टू माइनस एक्स वन छः माइनस छः का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन वन माइनस सेवन का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये चीज सही लिखा, अगर अगर ये गलत कर दिए दिक्कत हो जाएगी, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो एक्स टू माइनस एक्स वन लिख लिया और वाई टू माइनस वाई वन लिख रख लिया, छः से छः गया हमारा जीरो बचेगा, जीरो का एक वर्ग तो जीरो स्क्वायर जीरो ही होगा, और यहाँ से हमारा माइनस छः बचेगा, माइनस छः का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का छत्तीस आएगा थर्टी सिक्स, और थर्टी सिक्स यानी वर्गमूल जो होता है छत्तीस का कितना होता है छः का। तो देखिए दोनों विकर्ण भी आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो दोनों विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं, चारों भुजाएं भी बराबर आ रही हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ग है। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और विकर्ण भी बराबर हो गए ए सी बराबर बी डी, ये विकर्ण है और ये हमारी भुजाएं हैं। सुना गया, तो चारों भुजाएं बराबर आ गए और दोनों विकर्ण बराबर आ गए, तो ये क्या हो गया हमारा एक वर्ग हो गया। अतः ये इसमें जो पूछ रहा है क्या कह रहा है कि जो ए बी सी डी चार मित्र बैठे हुए हैं
तो ये आकृत जो है एक एबीसीडी एक वर्ग है, तो यहां पे लिख लो अतः ABCD एक वर्ग है। बस सुन आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सभी लोग समझते हो। समझ में आ गया, बस यही हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और यहीं से ही आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। इसके के आगे की एक्सरसाइज जो भी है 7B, उसमें विभाजन है, अंतर्विभाजन, बाह्य विभाजन, ये होता क्या है ये अगले वीडियो में हम बताएंगे। सभी बच्चे इसको नोट कर लें, और जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने होमवर्क में दिए जाते हैं, वो सभी बच्चे उसको लगा के ग्रुप पर सेंड करें।